प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस बजट में बागली विधानसभा के लिए विशेष तो नहीं, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते और तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए बजट काफी कुछ उम्मीद लेकर आया है। वहीं इस बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज भोपाल में विधानसभा में आदरणीय वित्त मंत्री देवड़ा जी ने जो बजट पेश करा, निश्चित बातें बहुत बड़ी बड़ी करी, बहुत ऊंची ऊंची बातें करी, मगर जब हम धरातल पे इस बजट को देखते हैं तो ये सिर्फ जो बड़े बड़े प्रावधान पिछले बजट में बनाए थे उसी तरह से ये बजट भी प्रावधानों का जखीरा है। धरातल पे उसकी कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, ना पिछले बजट में जो प्रावधान बने उसमें क्या फ़ायदा मिला उसका भी कोई इस बजट में पेश नहीं करा गया, और ना ही हमारे पेट्रोल डीजल पे कोई वेट में कमी करी गई जिससे कि हमारे लोगों को पेट्रोल डीजल में सस्ता हो जाए। मगर क्या है, दिखावटी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पहले भी दिखाए थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी बजट में दिखाए गए। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का बजट निश्चित रूप से गरीब, विदेशी, आदिवासियों के लिए और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बजट है। तेंदूपत्ता संग्रहों की जो है मजदूरी बढ़ाई गई है, उन्हें अधिकतम लाभ हो आदिवासी भाइयों के, इसके लिए किसानों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए नए स्कूल, राइज स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा गरीबों के, मजदूरों के लिए, उद्योग के लिए, हमेशा विकास के लिए प्रयत्नशील रही है। इस बार का बजट भी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जनता के लिए बहुत ही गरीब, हितैषी, मजदूरों, किसान हितैषी बजट है। मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट की मैं बहुत सराहना करता हूँ। बागली विधानसभा में भी बजट में, क्योंकि बागली विधानसभा आदिवासी विधानसभा और आदिवासी में तेंदुपत्ता संग्रह हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, उनकी मजदूरी बढ़ गई है, उनका बोनस बढ़ाया गया है। ये निश्चित रूप से आदिवासी विधानसभा के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे राइज स्कूल भी खोलने का प्रावधान बागली विधानसभा में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।